हाई एवरी वन आई एम रिचर वेलकम बैक टू परचम आज का क्लासेज ऑन जोग्राफी क्लाइमेटोलॉजी और उसमें भी हम पढ़ेंगे

ऊपर जाती है वही कंडेंस होती है वही बादल बनाती है सो so, अगर वो लेक्चर नहीं देखा है बाई चांस और देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं ठीक है चलिए तो शुरू करेंगे आज का लेक्चर ऑन क्लाउड्स, क्लाउड टाइप्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा लेट्स स्टार्ट चलिए जैसा हमेशा करते हैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे सो वॉट आर क्लाउड्स देखिए आपने सर्दियों में अपने आसपास फॉग कंडीशंस देखी होंगी अगर आप नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में या ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में रहते हैं सो फॉग कंडीशन जो होती है वो बहुत टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जो सस्पेंडेड रह जाते हैं हवा में इसी तरह से क्लाउड्स क्या हैं एग्रीगेट है बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे या तो वाटर ड्रॉपलेट्स हों या आइस के पार्टिकल्स हों वो इतने छोटे होते हैं कि प्रेसिपिटेट नहीं हो पाते अगर वाटर ड्रॉपलेट्स थोड़े बड़े साइज के हैं तो रेन की तरह गिर जाएंगी। अगर आइस क्रिस्टल्स जो हैं वो थोड़े ज्यादा बड़े साइज के हैं तो स्नो uh, के फॉर्म में गिर जाएंगे नहीं तो हेल स्टॉम के फॉर्म में गिर जाएंगे नहीं तो स्लीट हो जाएगा रेन और स्नो एक साथ गिर जाएगा लेकिन जब ये पार्टिकल्स बहुत टाइनी होते हैं पॉइंट जीरो जीरो वन सेंटीमीटर रेडियस या उससे छोटे तो होते हैं तो ये हवा में सस्पेंडेड रह जाते हैं और वो मिल करके क्लाउड्स बना लेते हैं लेकिन ये बस हायर अबव द ग्राउंड होते हैं है ना ग्राउंड के सर्फिस के बहुत पास नहीं होते ऊंचे ऑल्टीट्यूड्स पे होते हैं तो वो क्लाउड्स कहलाते हैं ठीक है आम भाषा में समझ में आ गया तो जो फिन हम फॉग यहां देखते हैं Uh, कई बार आप हिल स्टेशन में जाते हैं तो आपको बादल अपने आसपास दिख जाते हैं बिकॉज आप हायर ऑल्टीट्यूड पे पहुंच गए हो तो क्लाउड्स आर नथिंग बट डेफिनेशन फॉर्म में देख लेते हैं दे आर एग्रीगेट्स दे आर एग्रीगेट्स एग्रीगेट्स यानी इकट्ठे ऑफ इन्यूमरेबल बहुत सारे टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स आइस पार्टिकल्स और मिक्सचर ऑफ बोथ बोथ इन द एयर जनरली मच अबव द ग्राउंड सर्फिस ठीक है क्लाउड्स क्या है समझ में आ गए ठीक है ना ये भी मैंने आपको बता दिया ट्राइनी ड्रॉपलेट्स जो हैं वो कितने टाइनी हो तो वो सस्पेंडेड रह जाते हैं तो वो रेन और स्नो की तरह गिर नहीं सकते जीरो, जीरो वन सेंटीमीटर रेडियस या उससे छोटे होते हैं तो वो फ्लोट करते सस्पेंडेड रह जाते हैं जो बड़े होते हैं वो प्रेसिपिटेट कर जाते हैं और प्रेसिपिटेशन अगली क्लास में पढ़ेंगे ठीक है चलिए अब हम देखते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज जो कि क्लाउड से या क्लाउड स्टडी से रिलेटेड हैं आई एम ट्राइंग टू स्टैंड ऑन वन कॉर्नर ताकि अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए बहुत से बच्चे कंप्लेन करते हैं मैम आप स्क्रीन घेरते हो पर अगर मैं इससे बाहर गई तो मैं फ्रेम से बाहर चली जाऊंगी ठीक है सर आई नॉट मूव बियॉन्ड दिस यू कैन टेक स्क्रीन शॉट्स यू कैन टेक हैंड नोट एंड इफ यू वांट पी डी एफ एनी ऑफ यू हू टू टेक दैन परचम क्लासेज डॉट इन इज दैबसाइट एड्रेस यहां से आप पी डी एफ ले सकते हैं और पी डी एफ बैंक के लिए आप परचम ऐप पर जाएंगे ओके चलिए कमिंग बैक नाउ देर इज वन टर्मिनोलॉजी नेफोलॉजी साइंस ऑफ क्लाउड्स जैसे साइंस ऑफ एनिमल्स हम जुआलॉजी बोलते हैं साइंस ऑफ प्लांट्स हम बॉटनी बोलते हैं इसी तरह से साइंस ऑफ क्लाउड्स को क्या बोला जाता है नेफोलॉजी बोला जाता है और ये मीटरोलॉजी का एक सेक्शन ही है फिजिक्स ऑफ क्लाउड्स यू नो फिजिकल ब्रांच या फिजिक्स ब्रांच ऑफ मीटरोलॉजी में आता है क्लाउड की पूरी स्टडी क्लाउड फिजिक्स मानी जाती है सो so, नेफोलॉजी अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज नेफोलॉजी तो द स्टडी ऑफ क्लाउड्स इज नेफोलॉजी जिसमें क्लाउड फॉर्मेशन द टाइप्स व्हाट वेदर फिनोमेना इट विल ब्रिंग यू क्लाउडन इस तरह का क्लाउड है तो इस तरह का क्लाइमेट या वेदर कंडीशन चेंज हो सकता है ये सारी चीजें उसमें स्टडी की जाती है ना इसके बाद इस पॉइंट पे आइए ये वाला पॉइंट हम अभी देखेंगे आइसो नेफ्स आर आइसो नेफ्स देखिए हमने जैसे आइसो बार पढ़ा था पहले द प्लेसेस जो कि हम मैप पे मार्क करते हैं हैविंग सिमिलर प्रेशर कंडीशंस राइट आइसोथर्म्स की हम बात करते हैं सेम टेम्परेचर पैटर्न जहां जहाँ मैप पे देखे जाते हैं उन लाइनों को जब हम जोड़ते हैं उन प्लेसेस को लाइन्स से जब हम जोड़ते हैं तो आइसोथर्म्स कहलाती हैं वॉट आर आइसोनेफ्स ये मैप पे वो लाइन्स हैं जो उन प्लेसेस को जोड़ती हैं जहाँ सेम क्लाउडीनेस शो होती है ना वॉट इज क्लाउडीनेस जहाँ कितना क्लाउड कवर है है ना कहीं पे सेम सिमिलर तरह का क्लाउड कर वे कि यहां पर भी इस तरह के बादल और इतने ज्यादा देखे जा रहे हो यहां पे भी इस तरह के बादल इतने ज्यादा देखे जा रहे हैं तो हमने उन प्लेसेस को एक लाइन से जोड़ दिया शोइंग सिमिलर पैटर्न और उसको कहते हैं आइसो नेफ्स लेकिन आइसो नेफ्स आर नॉट ऑफ मच सिग्निफिकेंस यानी मच इंपॉर्टेंस क्यों आइसो नेफ इतने इंपॉर्टेंट क्यों नहीं होंगे क्योंकि क्लाउडीनेस चेंज होती रहती है बहुत फ्रीक्वेंटली अभी एक बादल का पैटर्न है या अभी बहुत क्लाउडी है कुछ घंटों बाद है ही नहीं क्लियर स्काइज हो गए या फिर टाइप ऑफ यू नो डेंसिटी ऑफ क्लाउड घट गए या फिर पैटर्न चेंज हो गया सो so, इस वजह से बिकॉज ये सिमिलर पैटर्न बहुत ज्यादा शो नहीं करते या कंसिस्टेंसी नहीं शो करते बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस शो करते हैं इसलिए नहीं इंपॉर्टेंट है ठीक है तो लाइन्स ज्वाइनिंग प्लेसेज विथ इक्वल डिग्री ऑफ क्लाउडिनेस क्लाउडनेस समझ में आ गए कितने बादल हैं किस तरह के बादल हैं एक्सेट्रा ना कमिंग ओवर टू दिस पॉइंट अब क्लाउड कवर को हम मेजर किस तरह से करते हैं किन टर्म्स में हम बोलते हैं कि कितनी क्लाउडीनेस है जैसे हम बोले एक इंसान का इतना के जी वेट है या ये चीज़ इतने ग्राम भारी है या हम इतने मीटर दूर गए क्लाउड cloud की क्लाउडीनेस को हम किन टर्म्स में मेजर करते हैं हम इसको मेजर करते हैं एट्स या ऑक्टैस की uh, की तरह से इसको इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है अगर फुल क्लाउडीनेस है पूरा कंप्लीट क्लाउड कवर है तो एट बाय एट का ऑक्टैस माना जाता है एट पॉइंटर स्केल मान लीजिए आप जीरो से लेके एट तक की स्केल है, है यानी मैक्सिमम फुल क्लाउड कवर लाइक कैसे शो किया जाता है सर्कल में और अगर ये वन फोर्थ क्लाउडीनेस है तो इस तरह से शो कर दिया जाता है अगर फुल क्लाउडीनेस है तो ये पूरा सर्कल फिल कर दिया जाता है आप कर लीजिएगा हाँ टाइम सो Got it? So what is the unit or what is the expression for me, uh, showing the cloud cover, your cloudiness? It is eights or octas. यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। Very good. Now, ये चीज़ जो uh, समझने में तो शायद कुछ difficult नहीं है, पर दिमाग में store करने में problem create कर, कर सकती है, because बहुत से types of clouds हैं जो हमें पढ़ने हैं। लेकिन do not worry, they are very simple to understand. एक बार बस terminology समझ लोगे, it is a piece of cake walk. है ना आसमान में देख करके भी पहचान दोगे कौन सा क्लाउड है कोई टेंशन की बात नहीं है चलिए सो अब हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड्स कितने तरह के बादल होते हैं और उसको पढ़ने के लिए अभी तो हम कुछ ऑल्टीट्यूड से आपको बता रही हूं मैं फिर हम देखेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी जो यूज की जाती है हर एक का एक नेम होता है उस तरह के क्लाउड की अपनी एक खासियत होती है और वो आपने समझ ली तो काम सॉल्व हो जाएगा ठीक है चलिए नाउ क्लासिफिकेशन जो है क्लाउड्स का किन बेसिस पे किया जाता है कैसे बताते हैं हम कि अच्छा इस ये क्लाउड्स एक कैटेगरी के हैं ये दूसरे कैटेगरी के हैं हाउ डू यू डिफाइन दैट सो जनरल फॉर्म है किस तरह का वो बादल दिखने में देन उसकी हाइट कितने ऑल्टीट्यूड पर पाया जाता है, है ना बहुत हायर एलिवेशन पर मिलता है या मिडिल मिडिल ऑल्टीट्यूड्स पर मिलता है या लोअर हाइट्स पर मिलता है एंड देन अपियरेंस सो दिखता कैसा है फीचर्स क्या क्या शो कर रहा है और कितनी हाइट पे इसी बेसिस पे उसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है ना फोर मेजर क्लाउड टाइप्स हम पढ़ेंगे कई जगहों पे आपको थ्री मेजर क्लाउड टाइप्स देखने को मिल सकते हैं लेकिन फोर्थ क्यों वो अभी मैं समझाऊंगी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी सेपरेटली सबसे पहला आता है हाई क्लाउड्स अभी नेम्स पे फोकस नहीं करेंगे आप अभी आप सिर्फ एलिवेशन पे फोकस करेंगे नेम्स में आपको समझाऊंगी सो so, सबसे पहले आता है हाई क्लाउड्स ये बहुत हायर ऑल्टीट्यूड्स पे होते हैं हाई उड्स नाम से समझ में आ रहा है और इनको मेनली सिरस क्लाउड्स कहते हैं अभी आप ध्यान मत दो कोई बात नहीं ठीक है अगर आपका पहले पढ़ा हुआ है तो आप कैच कर लोगे अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो नो प्रॉब्लम जस्ट लीव इट हियर एक चीज आप ध्यान रखिएगा बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे जो बादल होते हैं वो फेदरी नेचर के होते हैं ठीक है पंख जैसे है ना पंख जैसे होंगे या जैसे आपने हॉर्स हॉर्स की जो टेल देखी है, है ना इस तरह की राइट तो इस तरह के

ये फेदरी नेचर के होते हैं हल्के लाइट एकदम ना डेलिकेट से आ, क्लाउड होंगे और उसके बाद सेकेंड नंबर पे आते हैं मिडिल क्लाउड्स मिडिल क्लाउड जो उनसे थोड़ा नीचे होंगे ठीक है और इनको मेनली ऑल्टो क्लाउड्स कहते हैं ऑल्टो वो सिरस कहला रहे थे ये ऑल्टो क्लाउड्स होते हैं ऑल्टो कार होती है ना यूजली मिडिल क्लास खरीदती है है ना तो उस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं ठीक है और ये ट्वेंटी थाउजेंड से सेवन थाउजेंड फीट तक अब ये ऐसा जरूरी नहीं कि हमने ट्वेंटी थाउजेंड बोला तो ट्वेंटी थाउजेंड ही होगा वो ट्वेंटी टू ट्वेंटी वन भी हो सकता है ट्वेंटी थ्री भी हो सकता है पर रफ हमने एक लिया है आ, तो फोर्टी थाउजेंड से ट्वेंटी थाउजेंड फीट ट्वेंटी से सेवन हो गए मिडिल वाले ऑल्टो क्लाउड्स फिर आते हैं लो क्लाउड्स लो क्लाउड्स जो कि ट्वेंटी से बिलो होंगे वेरी गुड यहां मेनली स्ट्रेटस क्लाउड्स पाए जाते हैं कौन से स्ट्रेटस बिल्कुल स्ट्रेटस uh, नीचे नीचे वाले हिस्से में है ना चलिए और इनको शीट जैसे होते हैं ये लेयर्ड क्लाउड्स होते हैं एकदम जैसे शीट चादर बिछी हुई है बादलों की है ना ऐसे तितरे बितरे फटे फटे से नहीं होंगे बिल्कुल शीट जैसे बादल होंगे ओके okay? एंड जो फोर्थ कैटेगरी मैं बोल रही हूँ दीज आर वर्टिकली एक्सटेंडेड क्लाउड्स मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक लेयर में या एक एक पर्टिकुलर ऑल्टीट्यूड वाले डायमेंशन में ही मिलते हैं नो no. ये बहुत वर्टिकली एक्सटेंडेड हो सकते हैं और ये यूजली तब होता है जब एकदम से जो ह्यूमिडिटी वाली हवा होती है वो कन्वेक्शन करंट्स के साथ ऊपर जाती है या फिर जब फ्रंट्स फ्रंट्स पढ़े थे ना हमने वार्म एयर मास या कोल्ड एयर मास जब फ्रंट्स आपस में मिलते हैं वहां पे ये वर्टिकली एक्सटेंडेड क्लाउड्स बनते हैं सो फोर्थ टाइप आर क्लाउड्स विथ वर्टिकल एक्सटेंड अभी आपको मैं दिखाऊंगी पिक्चर ये बिल्कुल अलग दिखते हैं वेरी हाई अप इलांगेटेड क्लाउड्स ओके मेनली इनको क्यूम्यूलिस क्लाउड्स कहा जाता है क्यूमुलस में भी वैरायटी पड़ेंगे सारे बहुत हाईली एक्सटेंडेड हो जरूरी नहीं है लेकिन क्यूमुलस आर यूजुअली एक्सटेंडेड क्लाउड्स ओके और ये 2000 फीट से 30000 फीट तक जा सकते हैं ओके सो दे कैन बी 2000 फीट से लेके 30000 फीट तक ठीक है जी यहां तक की बात समझ में आई सो हाई क्लाउड्स जो कि फेदरी नेचर के होते हैं सिरस हम बोलते हैं फिर मिडिल क्लाउड्स जो कि ऑल्टो नाम से जाने जाते हैं फिर लो क्लाउड्स जो कि स्ट्रेटस नाम से जाने जाते हैं और ये शीट जैसे होते हैं और फिर एक होते हैं जो वर्टिकली एक्सटेंडेड होंगे और ये क्यूमुलस नाम से जाने जाते हैं यूजुअली ठीक है यहां तक की कहानी ओके ये पिक्चर से समझेंगे हाँ तो सबसे पहले तो इसमें आप ये देखिए ये दिख रहा है आपको इतना ऊपर जाता हुआ ये कौन सा होगा वर्टिकली एक्सटेंडेड वाला नाम अभी सब हम देखेंगे एक एक करके ये डायग्राम समझ लो मतलब इमेज समझ लो और उसके बाद हम नेमिंग समझेंगे अगले स्लाइड पे तो सबसे पहले ये आती है ये आ गया हाई वाला ऑल्टीट्यूड है ना हाई ऑल्टीट्यूड में हमने बोला था जो बादल होते हैं वो सिरस नेचर के होते हैं फेदरी फेदरी होंगे अब इसमें भी वेराइटीज आ जाएंगी वो हम पढ़ेंगे कि सिरस नेचर में ही जब दूसरे नेचर मिलते हैं स्ट्रेटस नेचर मिल गया या क्यूमुलस नेचर मिल गया तो नेम चेंज होंगे अभी सब पढ़ेंगे ठीक है फिर हम आते हैं दूसरा यह है मिडिल क्लाउड्स मिडिल क्लाउड्स मैंने आपको बोला था ऑल्टो 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 है ना क्लाउड्स होते हैं और यह बस इनकी कोई फीचर नहीं है अब अगर यह स्ट्रेट के साथ मिल गए तो कुछ हो जाएंगे क्यूमुलस के साथ मिल गए तो कुछ हो जाएंगे फिर हम आते हैं लो क्लाउड्स पे लो क्लाउड्स हमने बोला था स्ट्रेटस होते हैं तो यह हो गए स्ट्रेटस देखो बिल्कुल स्प्रेडेड हैं शीट की तरह अब इसमें भी अलग अलग वेराइटी हो जाएगी क्यूमुलस के साथ मिल गया तो कुछ हो जाएगा है ना अब जो मैंने आपको कहा था वर्टिकली एक्सटेंडेड तो देखिए ये रहा क्यूमुलर्स ये आपको थोड़ा ऊंचा ऊंचा दिख रहा है तो ये लोअर एटमोसफेयर लेयर्स में भी हो सकते हैं और ये बहुत ऊपर जाते हुए भी हो सकते हैं ये नॉन रेन कॉजिंग भी हो सकते हैं रेन कॉजिंग भी हो सकते हैं वो सब पढ़ेंगे ठीक है यहां तक कि हायर मिडिल लोअर एंड वर्टिकली लॉन्गेटेड चारों टाइप समझ में आ गई ठीक है अब चलते हैं नेमिंग समझो ये समझ लिया काम खत्म हो गया हर एक का नेम समझ लो ना जो नेम्स हैं क्लाउड्स के वो यूजली इन प्रीफिक्स या सफिक्सिस के साथ में होते हैं प्रीफिक्स यानी नाम के पहले लगेगा सफिक्स यानी कि नाम के बाद में लगेगा ठीक है अब अगर स्ट्रेटस या स्ट्रेटो लगा हुआ है किसी नाम के आगे तो सोचो मैंने आपको बताया था लो लेवल वाले क्लाउड्स होते हैं शीट जैसे होते हैं है ना शीट जैसे होते हैं तो ये फ्लैट होंगे लेयर्ड होंगे और स्मूद होंगे फ्लैट है ना लेयर्ड स्मूद इस तरह के जो बादल हो गए ये आ गए आपकी पूरी लेयरिंग बनी हुई आती है दीज आर स्ट्रेटो या स्ट्रेटस क्यूम्यूलो स्ट्रेटस या स्ट्रेटो क्यूम्यूलस तो उनमें कहीं ना कहीं फ्लैट नेचर होगा ही होगा क्यूम्यूलो का भी नेचर होगा और फ्लैट का भी नेचर होगा समझ में आई बात तो जहां जिस भी नाम में आपको स्ट्रेटस दिखता है आप आंख बंद करके एक चीज तो आप समझेंगे कि वो फ्लैट नेचर के हैं ठीक है दूसरी चीज आती है क्यूम्यूलस क्यूम्युलस हमने पढ़ा था वर्टिकली अप वाले तो जो थोड़े कॉटनी या कॉलीफ्लावर जैसे है ना गुदगुदे रुई जैसे अभी जब मानसून खत्म होने को होते हैं बहुत सुंदर इस बार तो बहुत ही सुंदर क्यूम्यूलस क्लाउड्स दिख रहे थे स्काई के अंदर सो क्यूम्यूलस इज हीप्ड अप है ना जब हम अगर कॉटन को एक के ऊपर एक हीप अप कर दो गठरी बना दो या एक के ऊपर एक स्टैक कर दो उस तरह के क्लाउड्स होते हैं हीप्ड अप पफी कॉलीफ्लावर जैसे यानी फूल गोभी जैसे ठीक है तो जहां कहीं भी आप क्यूमुलस देखो या क्यूम्यूलो देखो है ना अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए तो अप भी है लेकिन थोड़े फ्लैटेंड भी हैं है ना तो इस तरह से आप समझेंगे सो so, क्यूमुलस वर्ड आते ही आपको समझ ले जाना है कि कॉटनी कॉलीफ्लावरी और थोड़े हीपडप से नेचर होगा उन क्लाउड्स का फिर हम आते हैं सिरस या सिरो सिरस में ध्यान हो अगर आपको तो हायर अप वाले क्लाउड्स होते हैं है ना सिरस का नेचर क्या होता है फेदरी एकदम फैले फैले छितरे छितरे से क्लाउड्स होंगे ओके सो हाई अप होते हैं नंबर वन ये आपको लोअर लेवल्स पे नहीं देखने को मिलेंगे सिरस ऊपर ही मिलेगा सिरस लोअर में और मिडल में नहीं देखने को मिलेगा ठीक है तो इनके साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिरस कहाँ मिलेंगे हायर अप एंड विस्पी विस्पी का मतलब होता है फेदर uh, लाइक -like, या फिर आप हॉर्स uh, uh, की या मेयर जो फीमेल हॉर्स होती है ना मेयर की टेल देखें तो उसके जैसे वेरी लाइट वेरी वेरी डेलिकेट से है ना इस तरह के क्लाउड्स होते हैं फिर हम आते हैं ऑल्टो ऑल्टो वर्ड जहाँ भी आपको देखेगा ये मीडियम लेवल के हैं ये भी ऑल्टीट्यूडनली बिल्कुल टिपिकल हैं कि मैं तो यही रहूंगा ना मैं ऊपर जाऊँगा ना मैं नीचे जाऊँगा मैं मिडिल लेवल में ही पाया जाता हूं तो ऑल्टो वर्ड आपको कहीं भी दिखे तो ये मिडिल लेवल के क्लाउड्स हो गए और लास्ट में हम आते हैं निम्बस या निम्बो ये आपने हेरी पॉटर में सुना होगा निम्बस है ना निम्बस जो है वो बहुत कैरेक्टरिस्टिक क्लाउड्स है रेन बेयरिंग क्लाउड्स होते हैं बारिश से रिलेटेड थंडर स्टॉम से रिलेटेड जो क्लाउड्स है, हैं वो निम्बस क्लाउड्स है ठीक है डार्क कलर के होते हैं बारिश लेकर के आते हैं या बारिश का तूफान या बर्फ का तूफान लेके आते हैं तो दे रेन बेयरिंग क्लाउड्स निम्बस वर्ड ही समझ जाना है अब वो स्ट्रेटो निम्बस हो क्यूमिलो न्यूमिलो कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है ठीक है तो ये आपको मैंने फाइव नेम्स सफिक्स या प्रीफिक्स किसी भी तरह से लगे हुए हो अगर ये पांच नाम आपको समझ में आ गए अब कहानी बहुत सिंपल हो जाएगी ठीक है जी अब चलते हैं हायर क्लाउड्स अब हमें क्या करना है बेसिकली रुकिए अब हमें ये करना है कि ये जो हमने पढ़ा है ना हाई क्लाउड्स मिडिल लो एंड वर्टिकल एलिवेशन इन सबके टाइप्स पढ़ने हैं कॉम्बिनेशन हैं स्ट्रेटो का क्यूमिलस का ऑल्टो का देन सिरस का एंड निम्बस का इन सब के कॉम्बिनेशन हैं बस वो हमें पढ़ने हैं थिंग्स आर वेरी इजी नाउ नथिंग टू वरी। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हाई क्लाउड्स पे हाई क्लाउड्स हमने क्या बोला था मेनली सिरस टाइप के होंगे यानी फेदरी टाइप के होंगे और इनके लिए सी आई यूज़ किया जाता है मैंने हर जगह नहीं लिखे हैं इनके एक््रोनेम uh, कहीं कहीं पर लिख दिया सो so, सिम्बल है है ना यूजली फोर्टी थाउजेंड से ट्वेंटी थाउजेंड फीट या बारह हजार से छह हजार मीटर अब द ग्राउंड मिलते हैं एंड ये व्हाइट कलर के होते हैं बिकॉज ये मेनली रेन से एसोसिएटेड नहीं होते हैं मैं थोड़ा और आगे समझाऊंगी अभी के लिए इतना समझ लो हायर एलिवेशन पे एंड फेदरी एंड वाइटेशन कलर ओके फाइन अब इसके थ्री टाइप्स हैं कितने टाइप्स हैं जी थ्री टाइप्स हैं यहां आ जाइए डायग्राम देखेंगे इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं है ना पहले पढ़ लो फिर बड़ा करके समझाते हैं सो थ्री टाइप्स कौन से एक तो है नॉर्मल सिरस क्लाउड सिरस सिरस क्लाउड एक है सिरो क्यूम्यूलस सिरो मतलब फैदरी तो है और क्यूम्यूलस यानी कि थोड़ा थोड़ा कॉटनी वाली फीलिंग भी देगा थोड़े थोड़े गठरे वाली फीलिंग भी देगा इकट्ठे हो रखे हैं ऐसी फीलिंग भी देगा तो ये देखो ये आपको दिख रहे हैं ये थोड़े थोड़े बादल कॉटन बॉल्स की तरह छोटी छोटी कॉटन बॉल्स क्योंकि सिरस है यानी फैला फैला होगा है ना तो ये जो आपको बादल दिख रहा है अभी मैं इसको और जूम करके दिखाऊंगी तो जब फेदरी के साथ में नेचर मिल जाता है फिर आता है सिर, सिरो स्ट्रेटस अब फेदरी के साथ में यानी लाइट क्लाउड्स के साथ में शीट ऐड हो गई तो ये जो आपको दिख रही है ना ये बस एक बादल की हल्की सी बहुत झीनी सी चादर ने घेरा हुआ है स्काई को वो हो गए सिरोस्ट्रेटस और जब कभी हम सन के आसपास वो हेलो देखते हैं या मून के आसपास क्लाउड्स का कभी कवर देखा सर्कल बन जाता है बहुत सुंदर लगता है चंदा उस समय या सूरज उस समय हम बोलते हैं हेलो इफेक्ट आ रहा है वो इसी क्लाउड की वजह से बनता है सिरोस्ट्रेटस पतले से क्लाउड्स होते हैं जो कि लेयर बना देते हैं मून और सन के थोड़ी दूर आसपास इस तरह से ठीक है अभी हम बड़ा करके आपको दिखा देते हैं यहां से देख लीजिए जी चलिए हम्म तो ये रहा सिरस ये देखिए आपको ये दिख रहा है ये फेदिलीसा फील ये तो नॉर्मल सिरस हो गया फिर ये है सिरोस्ट्रेटस ये बस एक लेयर है कुछ कुछ भी आपको पैटर्न नहीं दिखेगा बस एक चादर सी बिछी हुई है और ये है सिरो सिरोस थोड़े छितरे छितरे हल्के हल्के से बादल आपको दिखेंगे इसको मैक्यूरल स्काई भी बोलते हैं मैकुरल स्काई वर्ड ध्यान रखेंगे ठीक है और हेलो कौन से क्लाउड्स बनाते हैं ध्यान रखोगे आप हेलो ऊपर बनता है सिरस स्ट्रेटो स्ट्रेटस वॉट यू कॉल इट ठीक है जी अब हमें क्या करना है अब हमें हर एक को फटाफट फटाफट पढ़ना है इसमें ज्यादा कुछ समझने कूदने वाली बात नहीं है मोटी मोटी बातें समझेंगे सिरस क्लाउड जो ये ये वाले हैं ओके okay? फेदरी क्लाउड्स और सेम क्लाउड में देख करके आ रही थी अभी नाउ समझिएगा पहली चीज हायर ऑल्टीट्यूड पर बनेंगे ये डिटेच्ड क्लाउड्स होते हैं दीज आर वॉट डिटैच्ड आपस से थोड़े टूटे टूटे क्लाउड होते हैं एक शीट नहीं बनाएंगे एंड फाइबरस होते हैं रेशे रेशे जैसे होंगे चेन लाइक -like होंगे थोड़े थोड़े जुड़े हुए हैं एक दूसरे से थोड़े टूटे हुए हैं एंड सिल्की अपियरेंस होती है वेरी फ्रेजाइल डेलिकेट से क्लाउड्स ओके थिन डेलिकेट स्ट्रैंड्स होते हैं टाइनी क्रिस्टल अच्छा ये इतने हल्के से क्यों बनते हैं बिकॉज बहुत ही छोटे क्रिस्टल से बने हुए हैं ऊपर जा करके राइट वेरी फाइन क्रिस्टल्स और इसलिए ऐसे हैं ये रेनफॉल कॉज नहीं करते नंबर वन अगर करते भी हैं हल्का फुल्का ड्रिजल या कुछ कॉज तो वो इतने हायर ऑल्टीट्यूड पे है कि धरती तक नहीं पहुंचता वो ओके okay? थोड़ा बहुत अगर बहुत फाइन ड्रिजल या कुछ होता है तो हायर ऑल्टीट्यूड पर होकर खत्म हो जाता है बिकॉज वो इतनी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं कि नीचे आ जाते हैं तक दे दे से इधर उधर कैरी हो जाती हैं या नीचे आते तक वापस से सेट हो जाती हैं बट दे डू नॉट रीच द ग्राउंड ओके ना या तो दो चीजें ये इंडिकेट करते हैं एक चीज मैंने लिखी हुई है दीज इंडिकेट नियर फ्यूचर वेदर चेंजेस नाउ अंडरस्टैंड जब कभी भी आसमान में सिरस क्लाउड्स होते हैं या तो वो दिखाते हैं फेयर वेदर जरूरी नहीं है हर क्लाउड एक ही तरह का आ, इंडिकेशन दे है ना सिरस क्लाउड्स फेयर वेदर भी शो कर सकते हैं जैसे विंटर्स में दिख रहे हैं थोड़े बहुत कि भाई ठीक है वेदर है नाउ रेन वेन नहीं आने वाली कोई बर्फ नहीं गिरने वाली या फिर जब कभी फ्रंट्स मूव कर रहे होते हैं टूवर्ड ईच अदर तो फ्रंट अगर कोई वार्म फ्रंट आ रहा है तो सिरस क्लाउड या फ्रंट्स अगर मूव कर रहे हैं तो आपको सिरस क्लाउड्स देखने को मिल सकते हैं तो सिरस क्लाउड ये भी बता सकते हैं कि कोई ना कोई वेदर चेंज बहुत जल्दी होने वाला है ओके सो सिरस क्लाउड इसका भी यू नो इंडिकेशन देते हैं बिकॉज यूजुअली जो स्टॉम्स uh, देखने को थंडर्स देखने को मिलते हैं थंडर्स तो मैं नहीं बोलूँगी जो साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं साइक्लोन्स इज द राइट वर्ड जो साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं ना तो उनकी शुरुआत में अधिकतर देखा जाता है कि सिरस क्लाउड ज्यादा बनने लग जाते हैं ठीक है तो एक तरह से प्रिकर्सर भी माने जाते हैं कि हो सकता है साइक्लोनिक कंडीशंस बन रही हैं लो लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर विंड्स मूविंग टू इट ओके चलिए एंड ऑफन कॉल्ड मेयर टेल मेयर क्या होती है फीमेल हॉर्स तो उसकी पूछ जैसे देखते हैं आई मेड यू आई होप आई मेड थिंग्स क्लियर टू यू फिर हम आते हैं सिरो सिरोस क्लाउड्स ज़्यादा कुछ बोलने जैसा इसमें है नहीं ये देख लीजिए कॉटनी अपियरेंस है लेकिन बहुत थोड़ी थोड़ी है और दूर दूर है बिकॉज ये डिटेच्ड क्लाउड्स होते हैं बिकॉज इनमें वर्ड आ रहा है सिरो सिरो का मतलब होता है हायर ऑल्टीट्यूड दूर दूर ओके okay, वाइट कलर के होते हैं पैचेज होते हैं इसमें स्मॉल वाइट फ्लेक्स के या स्मॉल ग्लोब्यूल्स के क्यूमुलस जो वर्ड है ना क्यूमुलस क्लाउड उसके साथ ये ग्लोब्यूल वर्ड जाता है ये गोल गोल छोटे छोटे ठीक है क्लाउड्स देन एक डिस्टिंग ग्रुप में अरेंज होते हैं वेव लाइक -like या चेन लाइक -like होते हैं एंड uh, बस इतनी सी इसमें बात है फिर हम आते हैं सिरो स्ट्रेटस तो इसमें दोनों चीजें यहाँ डायग्राम पिक्चर देख लीजिए इसमें फेदरी अपियरेंस भी और एक चादर जैसा भी बिछा हुआ है ये है ना तो इसमें दोनों चीजें हैं सो so, अगेन uh, दे आर व्हाइट इन कलर स्मूथ अपियरेंस होती है स्काई को मिल्की पतली सी चादर से ढका हुआ ऐसा लगता है वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट के सन और मून के अराउंड हेलो कौन से क्लाउड्स क्रिएट करते हैं सिरो सिरोटस क्लाउड्स बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए है ना तो ये आंसर हो गया अच्छा ऐसा नहीं है कि आपको अगर एक टाइम में आसमान में एक तरह के बादल दिख रहे हैं तो दूसरे दिखेंगे ही नहीं ऐसा नहीं है अब देखिए अलग अलग ऑल्टीट्यूड के बादल हमें नीचे से दिख रहे हैं तो हायर अप हो सकता है सिरोस्ट्रेटस हैं उसके नीचे ऑल्टो ऑल्टो क्यूमिलस हो सकते हैं ऑल्टो स्ट्रेटस हो सकते हैं उसके नीचे आपको दूसरे बादल दिख रहे हैं तो आपको आसमान में दो तीन तरह के चार तरह के बादल दिख सकते हैं साइमल्टेनियसली ओके okay? तो ऐसा नहीं है कि एक टाइम में एक ही बादल अपियर होगा चलो सो so ये हेलो बनाते हैं एंड दीज आर सीन जस्ट आफ्टर द सिरस क्लाउड एट द ऑनसेट ऑफ साइक्लोन जो हमने सिरस क्लाउड देखे थे वो फर्दर डेवलप होकर के सिरो बनाते हैं अगर साइक्लोन आना होता है तो तो ये भी कहीं ना कहीं साइक्लोनिक साइक्लोनिकेट अराइवलोन इन न्यू फ्यूचर अगर ये ज्यादा मतलब क्वांटिटी में दिख रहे हैं चलिए फिर हम आते हैं मिडिल क्लाउड्स पे ऑल्टो ऑल्टो अगर कॉटन के ग्लोब्यूल्स जैसे क्लाउड हो जाए मिडिल ऑल्टीट्यूड पे तो वो क्या हो जाएंगे ऑल्टो क्यूमुलस अगर वो शीट जैसे हो जाए तो ऑल्टो स्ट्रेटस सिंपल चलिए तो ये मिडिल है, कहते हैं एएलटी से देखा जाता है 20,000 से 60,000 फीट यानी 12,000 से 12 से 6 कहां आ गए हम एक मिनट यहां हमने गलत लिख दिया है देखो यहां पे था 12 से 6 सॉरी so यहां पे 6 से 2 आएगा ठीक है यहाँ पे मैं करेक्शन कर देती हूँ आर मिडिल

सिरोक्यूमिलस से थोड़े ज्यादा फ्लफी होंगे सिरोस जो थे उसमें थोड़े ज्यादा छोटे कॉटन बॉल्स थे और थोड़े दूर दूर थे ये थोड़े ज्यादा फ्लफी होंगे और थोड़े पास पास हो जाएंगे ठीक है फिर अगर हम बात करें ऑल्टो स्ट्रेटस की तो देखो आ, जो सिरो स्ट्रेटस थे वो भी चादर जैसे थे पर वो बहुत फाइन थिन शीट थी ये कंपेरिटिवली थोड़ी कंटिन्यूस ज्यादा शीट होती है छितरे छितरे ज़्यादा नहीं होते और इस वजह से अगर ये सन सन और हमारे बीच वाले एरिया में हो तो ये सन को कवर करते हुए से हो जाते हैं सन बहुत धुंधला दिखता है इनके पीछे दिखता है बट एक बहुत फेडेड सा सर्कल जैसा दिखता है ठीक है सो सन को डिम कर देते हैं अगर ये सन के सामने आ जाते हैं तो ओके चलिए सो ये इतनी सी बात थी अब हम इनको फटाफट से पढ़ लेते हैं ऐसे क्लाउड्स भी आपने देखे होंगे स्काई में तो अब आपको पता है ये कौन से है? ये ऑल्टो क्यूमिलेस क्लाउड्स एंड द स्काई लुक ब्यूटीफुल जब ये क्लाउड्स आते हैं तो और अगर सनसेट या सनराइज के टाइम पे आ जाते हैं तो स्काई और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है चलिए सो ऑल्टो क्यूमिलस क्लाउड्स देखते हैं कैरेक्टराइज बाय जो ब्यूटी ऑफ द स्काई है ना वो ज्यादा सिरस क्लाउड्स बढ़ाते हैं बिकॉज वो ट्रांसपेरेंट ज्यादा होते हैं है ना तो वो ब्लॉक नहीं करते सनरेज को वो आने देते हैं कलर्स आने देते हैं है ना तो ये जो ऑल्टो क्लाउड्स हैं ये इतने ट्रांसपेरेंट नहीं होते ये थोड़े ट्रांसलूसेंट नेचर के होते हैं तो ज्यादा ब्यूटी कौन बढ़ाएंगे सिरस क्लाउड्स बढ़ाएंगे ऑटो क्लाउड्स देख लेते हैं व्हाइट है वेवी है लेयर्स हैं ग्लोबुलर फॉर्म्स हैं वूली बंपी क्लाउड्स वूल कॉटन कॉटन वूली वूली बम्पी क्लाउड्स होते हैं फैली रेगुलर पैटर्न्स होता है अच्छा उसमें थोड़े दूर दूर थे इसमें रेगुलर पैटर्न क्लाउड्स या वूल पैच क्लाउड्स भी कहा जाता है शीप वूल पैच देखो बिल्कुल शीप या वूल पैच जैसे दिख रहे हैं सिरोक्यूमुलस में इतने पास पास नहीं होते तो ऐसा पैटर्न इतना प्रोमिनेंट नहीं दिखता यहां बहुत प्रोमिनेंट दिखता है ओके okay? तो यह आप ध्यान रखेंगे और फाइन वेदर इंडिकेट करते हैं भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई बारिश बारिश बर्फ बर्फ नहीं गिरने वाली है फिर हम आते हैं ऑल्टोस्ट्रेटस पे ऑल्टोस्ट्रेटस स्ट्रेट होंगे और मिडिल एल्टीट्यूड्स में आपको देखने को मिलेंगे थिन शीट ऑफ ग्रे ब्लू क्लाउड्स ग्रे ब्लू क्लाउड्स होते हैं एंड थोड़ी बारिश या चेंजेस आ सकते हैं वेदर में ये इंडिकेट करते हैं हल्के बारिश वाले जो वाटर ही फील वाले बादल होते हैं ये है ना तो uh, हल्के से ग्रीनिश ब्लूइश ग्रेश टिंज लिए हुए ये बादल होते हैं राइट एंड हैविंग फाइब्रस या यूनिफॉर्म अपियरेंस होती है अच्छा जो बिल्कुल बारिश वाले बादल होते हैं ना निम्बस निम्बस से थोड़े लाइट कलर में होते हैं लेकिन जो uh, सिररोस्टैटस हैं जो हायर ऑल्टीट्यूड्स में थे उनसे डार्कर होते हैं बिकॉज सिरोस्टैटिस वाइटिश होते हैं और ये थोड़े से ग्रेश बादल होते हैं ओके और जब ये थिक हो जाते हैं तो सन को अच्छा खासा ढक लेते हैं सन बहुत धुंधला दिखता है राइट एसोसिएटेड विथ चेंज इन वेदर एंड प्रेसिपिटेशन हल्की फुल्की बारिश ला सकते हैं तो ये आप ध्यान रखेंगे जो ऑल्टो क्यूमुलस थे वो बारिश वगैरह से एसोसिएटेड नहीं है लेकिन ऑल्टो स्ट्रेटस थोड़ी बहुत प्रेसिपिटेशन से एसोसिएटेड है फिर हम आ जाते हैं लोअर क्लाउड्स पे लोअर क्लाउड्स में हमने बात की थी स्ट्रेटस की है ना जो 2000 हजार uh, मीटर से नीचे या 7000 फीट से नीचे वाले ऑल्टीट्यूड पे मिलते हैं वो स्ट्रेटस होते हैं शीट फीचर होता है इनका ओके okay, यानी पूरी चादर जैसे बिछे हुए हैं जहां भी आपने स्ट्रेटस वर्ड अभी तक देखा आपने देखा था सिरस स्ट्रेटस हैं तो सिरो स्ट्रेटस हैं तो एकदम थोड़ी चादर जैसे हैं देन हमने देखा ऑल्टो स्ट्रेटस हैं तो थिक शीट जैसे हैं राइट इसी तरह से अब हम लोअर क्लाउड्स में देखें तो हम तीन टाइप में स्ट्रेटस क्लाउड्स को पढ़ सकते हैं पहला स्ट्रेटस दूसरा स्ट्रेटो क्यूम्युलस स्ट्रेटो क्यूमुलस यानी क्यूमलस क्लाउड्स हैं लेकिन शीट की तरह भी बिछे हुए हैं मोटे मोटे भी हैं और शीट की तरह भी बिछे हुए हैं निम्बोस्ट्रेटस स्ट्रेटस क्लाउड्स है लेकिन फुल ऑफ रेन वाटर या ये अच्छा बारिश करेंगे तो दे आर डार्क ग्रे है ना रेन वाले क्लाउड्स हैं ये तो अब एक बार डायग्राम देख लीजिए फिर हम आगे मूव करते हैं इधर देखना पड़ेगा नीचे ओके okay? ये है हमारे लोअर क्लाउड्स तो ये जो आप देख रहे हो दिस इज निम्बोस्ट्रेटस निम्बस क्लाउड्स जो कि देखो इधर आपको प्रेसिपिटेशन की लाइंस दिख रही होंगी बारिश हो रही है तो जब स्ट्रेटस क्लाउड स्ट्रेटस मतलब शीट में बिछे हुए हैं लगातार क्लाउड्स हैं ये एकदम लेयर में बिछे हुए तो जब ये लेयर्ड क्लाउड्स रेन बेरिंग होते हैं तो इनको निम्बो स्ट्रेटस कहते हैं जब ये रेन बेरिंग नहीं होते बस एक शीट की तरह बिछे हुए हैं ये देखिए एक शीट की तरह बिछे हुए हैं तो ये स्ट्रेटस कहलाते हैं जब ये थोड़े से कॉटनी वूली भी हैं लेकिन फिर भी हॉरिजॉन्टली स्प्रेड आउट हैं शीट की तरह तो इनको स्ट्रेटो क्यूमुलस कहते हैं

अकेले नहीं अकेले स्ट्रेटस नहीं दिखेंगे हायर ऑल्टीट्यूड में सिरो स्टेटस देखेंगे या फिर ऑल्टो स्ट्रेटस मिडलट्यूड में दिखेंगे तो स्ट्रेटस वर्ड ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ लोअर से एसोसिएट करना है लेकिन वेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली स्ट्रेटस क्लाउड कोई सिरो नहीं लगा कोई ऑल्टो नहीं लगा तो अकेले जो स्ट्रेटस क्लाउड्स हैं वो लोअर ऑल्टीट्यूड में देखने को मिलेंगे ठीक so, है सो डेंस हैं लो लाइन है फॉग जैसे क्लाउड्स हैं डार्क ग्रे कलर क्लोज टू द ग्राउंड ओके डार्क ग्रेश कलर होता है इनका आपको बादल छा गए थोड़ा ठंड मतलब सन लाइट कवर हो गई और थोड़ा डल सा एटमोसफेयर हो गया वो ये वाले बादल करते हैं काम ब्रिंग्स डल वेदर विथ ड्रिजल हल्की फुल्की ड्रिजल जो लाते हैं वो ये बादल हैं ओके okay? और विजिबिलिटी एयरक्राफ्ट की खत्म करते हैं इसलिए दे आर लिडल डेंजरस यू नो बिकॉज ये लोअर एटमोसफेयर में आ गए सो so, फ्लाइट्स uh, वाले रेंज में भी आ जाते हैं और क्योंकि विजिबिलिटी डल करते हैं डाका कलर के होते हैं ड्रिजल करते हैं तो जो हम पढ़ते हैं ना यूजली कि भाई टर्बुलेंस है जब हम फ्लाइट्स में जाते हैं एक्सपीरियंस करते हैं टर्बुलेंस है तो अधिक कई बार ये वाले बादल वो काम कर रहे होते हैं और जो हम ऊपर उड़ के और ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नीचे बादल देखते हैं वो यूजली क्यूबिलस नेचर के होते हैं चलिए फिर हम आते हैं स्ट्रेटो क्यूमिलस अब स्ट्रेट शीट है लेकिन कॉटनी ग्लोब्यूलर क्लाउड्स हैं सो ओकेजनली कॉल्ड टस ऑल्सो स्ट्रेटो क्यूमुलस या क्यूम्यूलोस्ट्रेटस भी इनको कह दिया जाता है लाइट ग्रे वाइट कलर के क्लाउड्स होते हैं ग्लोब्यूलर मासज या रोल्स होते हैं वेव्स या ग्रुप्स में इकट्ठे होते हैं और पूरे स्काई में यूजली ये विंटर सीजन में यहाँ वहां देखने को मिल जाते हैं एंड फेयर या क्लीन वेदर से एसोसिएटेड होते हैं कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते सुंदर बना देते हैं बस स्काई को ओके okay? चलिए फिर हम आते हैं निम्बो ये रहा भाई पूरा आसमान काला हो चुका है इतने थिक पूरी शीट ऑफ ब्लैक क्लाउड्स या डार्क ग्रे क्लाउड्स घिर चुके हैं जब बारिश होने से पहले पूरा आसमान काला होता है ना एकदम काला कि बिल्कुल अंधेरा जैसा हो जाता है ये वो वाले बादल है ओके सो so, लो क्लाउड्स है नीचे है इतना इसलिए हमें बहुत आराम से विजिबिलिटी हो रही होती है बारिश भी बहुत अच्छे से करके जाते हैं डार्क कलर है लेयर पूरी दिख जाती है डार्कनेस क्योंकि इनकी थिकनेस इतनी होती है कि सनलाइट को ब्लॉक कर देते हैं ऑलमोस्ट और ह्यूमिडिटी uh, बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं जिस वजह से फटाफट से अब प्रेसिपिटेशन होना ही होना है इनको रेन क्लाउड बोलते हैं दीज आर दी रेन क्लाउड्स कौन से निम्बो स्ट्रेटस निम्बो स्ट्रेटस ओके और प्रेसिपिटेशन जिसमें स्नो हो रेनफॉल हो या स्लीट हो स्लीट स्लीट जिसमें बारिश भी आ रही हो थोड़ी थोड़ी बर्फ भी गिर रही है तो डिपेंडिंग ऑन कहाँ ये बादल हैं ये तीनों काम कर सकते हैं ठीक है आखिरी कैटेगरी के ऊपर आते हैं क्लाउड्स विथ वर्टिकल एक्सटेंड अब ये वो बादल हैं जो कि ऊपर जाते 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 बन गए नीचे से कन्वेक्शनल करंट जा रहे थे और जैसे जैसे उनका ड्यू पॉइंट रीज आता गया यानी ड्यू पॉइंट की वो हवा इतने ठंडे टेम्परेचर में पहुंची के कंडेंसेशन हो गया अच्छा बादल बनते कैसे हैं वो तो हमारा पॉइंट रहेगा अभी मैं बताऊंगी सो so, ये कन्वेक्शनल करंस जब ऊपर राइज हो रहे होते हैं और धीरे धीरे ड्यू पॉइंट आते आते कंडेंस हो जाते हैं तो ये इस तरह से बादल बनते हैं ठीक है जी चलिए सो क्लाउड्स विद वर्टिकल एक्सटेंड इनको मेनली क्यूम्युलस नेचर का क्लाउड कहा जाता है हीप्ड होते हैं इनका नेचर क्या है एक के ऊपर एक के ऊपर एक हीप्ड होते हैं सो so, कोई डेफिनेट हाइट नहीं है इनकी दो हज़ार फीट से लेकर के और तीस हजार फीट तक ऊपर जा सकते हैं ये क्यूमुलस या स क्लाउड्स होते हैं दो टाइप के हम इनको पढ़ेंगे क्यूमुलस नॉर्मल क्यूमुलस क्लाउड्स एंड क्लाउड्स जो कि क्यूमिलो नि के साथ एसोसिएटेड है है ना तो अब यहाँ पे ये यह जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये तो नॉर्मल क्यूमुलस क्लाउड है और ये रहा देखिए क्यूमिलो नि यहां तो इसको थोड़ा गोरा बनाया थोड़ा थोड़ा ब्लैक थोड़ा थोड़ा वाइटिश कलर लिए हुए होता है सबसे पहले क्यूमुलस uh, पढ़ लेते हैं डेंस वाइट वाइड स्प्रेड डोम शेप्ड डोम मतलब इस तरह का ये डोम होता है ना डोम शेप्ड ग्लोब्यूलर बेसिस नीचे का बेस फ्लैट है भाई है ना ऐसा नहीं है कि पूरे ऐसे बन रहे हो नो no, यहां फ्लैट रहेगा ओके okay? और यहां पे ग्लोबुलर शेप्ड होता है डोम शेप्ड होता है तो ये सारे फीचर थोड़े फ्लफी गुदगुदे से और डोम शेप्ड इस तरह के बाद जो नीचे से फ्लैटर बेस है एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन में ये ज्यादा देखने को मिलते हैं अपराइजिंग कन्वेक्शनल करंट से जुड़े हुए यानी कि ह्यूमिडिटी थी एयर करंस गर्म हुए ऊपर गए और ऊपर जाते जाते ठंडे होते जा रहे हैं और ये क्लाउड्स बनते जा रहे हैं ओके okay? चलिए और फिर वेदर कंडीशन से जुड़े हुए हैं ये ठीक है यहाँ तक नो no प्रॉब्लम फिर हम आते हैं क्यूमिलोन अब देखिए क्यूमिलोन आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा आसपास थोड़े आपको क्यूमिलस क्लाउड्स भी दिख जाएंगे और वही जब रेन बेयरिंग हो जाते हैं तो वो क्यूमिलोन बन जाते हैं ऊपर उठते हैं और ऊपर जाके टिपिकल शेप लेते हैं यूजुअली जिसको कहा जाता है एनविल या मोची के पास कभी आप गए हो, उसके पास एक चीज होती है जिसके अंदर वो जूता रख ठोकता है। तो उसका इस तरह का कुछ शेप होता है है है, ना? So, this is an anvil shape. इसी तरह का, ये cumulonimbus cloud जो है, वो ऊपर जाकर अपना उसका जो टॉप है वो इस तरह का बन जाता है सो क्यूमिलोनिम्बस वेरी इंपॉर्टेंट लाइटनिंग बिजली कड़केगी तूफान जैसा मौसम हो जाएगा और गड़गड़ाएंगे और बिजलियां चमकेंगी राइट डार्क एंड डेंस क्लाउड्स ग्रेट वर्टिकल डेवलपमेंट बहुत लंबा वर्टिकल डेवलपमेंट शो करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं ग्लोबुलर मास होता है और अपर जो पोर्शन है वो एनवल की तरह फ्लैटेंड या स्ट्रेटेड हो जाता है ठीक है स्ट्रेटेड फाइब्रस फ्लैटेंड हो जाता है तो ये है क्यूमुलो निम्बिस क्लाउड्स अब क्लाउड्स बनते कैसे हैं बिल्कुल बेसिक चीज जो हमें शुरू में डिस्कस करनी थी हमें पता है जब बहुत गर्मी होती है नीचे पानी होता है वाटर वेपर बनते हैं और वो ऊपर उठते हैं जब ऊपर उठते हैं तो एडियाबैटिकली कूल डाउन होते हैं एडियाबैटिकली एडियाबैटिक हमने पढ़ा था क्या होता है भाई एडियाबैटिक कूलिंग एडियाबैटिक कूलिंग का मतलब है अब जब ये ह्यूमिड हवा ऊपर जा रही है ऊपर का जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का वो ठंडा है तो ऊपर जाते जाते प्रेशर क्योंकि ऊपर लो है प्रेशर से है एडियाबैटिक का रिलेशन किससे है प्रेशर से इट हैज गॉट टू डू विथ प्रेशर ऑफ द एटमोसफेयर तो जब ये हवा ऊपर जा रही है ह्यूमिडिटी लेकर के ऊपर क्योंकि लो प्रेशर ये हवा एक्सपैंड हो जाती है और जब ये एक्सपैंड होती है तो इसके अंदर जो भी कुछ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स हैं वो cool डाउन हो जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस मैंने बहुत डिटेल में समझा रखा है जब हमने प्रेशर एंड एक्सेट्रा हम पढ़ रहे थे ठीक है तो द एयर राइजेज और ऊपर का प्रेशर बहुत लो है तो वो एक्सपैंड करती है और इस एक्सपेंशन के चक्कर में वो कूल cool डाउन होती है और तब कंडेंसेशन क्योंकि जब इतनी कूल cool डाउन होती है इस पॉइंट पर पहुंचती है कि ड्यू पॉइंट आ जाता है ठीक है सो इट कंडेंसेज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर लोअरिंग जब एक्सपैंड करती है हवा लो प्रेशर के चक्कर में ठंडी होती है तो कंडेंसेशन हो जाता है और अगर ड्यू पॉइंट आ गया और सैचुरेटेड हो गई पूरी तरह से तो प्रेसिपिटेट कर जाएगी अगर इतना मॉइस्चर कैरी कर रही होगी ठीक है सो आई होप आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन द ऑफ हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म उनसे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी टाइप्स ऑफ क्लाउड्स देयर नेचर एक्सेट्रा अगला लेक्चर जो हम लेंगे दैट विल बी ऑन प्रेसिपिटेशन अलग अलग तरह के प्रेसिपिटेशन के सारे फॉर्म्स हम पढ़ेंगे और रिमेनिंग जो भी टर्मिनोलॉजीज रह गई होंगी वो भी इसमें कवर करेंगे अगले लेक्चर में सी यू वेरी सुन टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ बाय बाय